देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नियम तोड़ने में ही बड़ा आनंद मिलता है। एक समय पूरा भारत इस वक्त संपूर्ण लॉकडाउन में है और ऐसे में कुछ नमाजी सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर नमाज अदा कर रहे हैं। एक ऐसी ही खबर फरुखाबाद से सामने आई है, जहां एक मस्जिद में 12 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने की कोशिश की गई और सूचना मिलने पर जब पुलिस वहां पहुंची तो नमाजी वहां से फरार हो गए। जब पुलिस ने मस्जिद का दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो नमाजियों ने पास खड़े एक पत्रकार को दांत काटने की कोशिश की। पुलिस ने किसी तरह पत्रकार को बचा लिया। पुलिस ने मस्जिद के पीछे से कुछ नमाजियों को गिरफ्तार भी किया है। देखिए, सबसे अपील की गई थी और सबको बताया गया था कि किसी प्रकार का सामूहिक इबादत या पूजा पाठ नहीं किया जाएगा और प्राय लोगों ने माना भी, लेकिन दोपहर में संज्ञान में आया कि नमाज के समय एक मस्जिद पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। उनको सख्ती से हैंडल किया गया, वहाँ से हटाया गया और उनके विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया।